कानपुर शहर में डेंगू का प्रकोप लगातार अपने पैर फैला रहा है, जिसको लेकर कानपुर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर हाथों में मच्छरदानी और तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को डेंगू से बचने के लिए जागरूक भी किया। आपको बता दें कि कानपुर के दबौली में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर शहर में तेजी से बढ़ रहे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने जगह जगह सड़क पर फैली गंदगी को नगर निगम द्वारा सफाई न होने से नाराज होकर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सचिव विकास अवस्थी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, मगर शहर में जगह जगह फैली गंदगी और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते लोग बीमार हो रहे हैं। जिस तरीके से कानपुर शहर में डायरिया और डेंगू ने अपने गिरफ्त में ले लिया है कानपुर महानगर को, लोग बीमार हो रहे हैं। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग किसी भी तरीके के मजबूत कदम नहीं उठा रहा है। इसके विरोध में हम कांग्रेसजनों ने आज हाथों में मच्छरदानी लेकर और नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को सचेत करने के लिए सड़क पर उतरे हैं कि अगर जल्द से जल्द इस पर नालियों की सफाई और दवाइयों का छिड़काव नहीं होता है तो कांग्रेस जन पूरे कानपुर महानगर में बड़ा आंदोलन करेंगे। डेंगू मलेरिया से कई लोगों की जान भी गई, इसके जिम्मेदार कौन? जो डेंगू और मलेरिया से लगातार जाने जाए, स्वास्थ्य विभाग इसका जिम्मेदार है और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतर कर आंदोलन करने का काम करेंगे। सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं नगर निगम को, और नगर निगम भी लोगों तक सुविधाएं पहुंचा रही, क्या कारण है कि जो सुविधा पहुंच नहीं पा रही? देखिए, सबसे बड़ी बात एक ये, कानपुर में पिछले वर्ष भी और लगातार गत वर्षों में डेंगू से और डायरिया से लगातार बड़ी संख्या में मौतें हो रही, उसके बाद भी शासन प्रशासन नहीं जाग रहा है और हर बार यही स्थिति होती है। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर शासन प्रशासन के कान में जनता के लिए जू नहीं रेंगती है, अगर जनता के लिए उनकी संवेदनाएं नहीं जागती हैं तो कांग्रेस जन सड़क पर उतर कर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।